हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने हेलमेट में अपन विंडो नॉइज़ कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है और मेरे साथ भी पहले हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे हेलमेट से विंडो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था और माइक में कहाँ पर लगाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने वीडियोज़ देखी थी कुछ, तो बहुत से लोग कुछ थोड़ा अलग बताते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको माइक लगाना चाहिए, अपना माइक का प्लेसमेंट कहाँ होगा, बाकी विंड नॉइज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको अभी बताऊंगा पूरा। बने रहिए इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने हेलमेट को देख सकते हैं, ये अपना गोप्रो भी लगा हुआ है। अब मैं आपको अपने माइक के पहले प्लेसमेंट बता देता हूँ। अपना सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, सब ऐसे ही गंदा गंदा, कपड़े देखो ऐसे पड़े हैं, अपन जमाते ही नहीं है। Men will be men. तो ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, हेलमेट इधर पड़ा हुआ है और अपना रूम ऐसा है एकदम। माइक की प्लेसमेंट अपनी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वाइट आपको दिख रहा होगा ये वाइट वाइट सा, ये अपना माइक है। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। एक हट जाइए, उसको हटाते मेरे। तो ये देखिए, ये अपने चिक्स के साइड में है, जस्ट देखिए ये वाइट कलर का है। तो जो माइक की प्लेसमेंट है आपको भी यहीं पे रखनी है, आपको कभी भी ये सामने नहीं रखना है, यहाँ पे एकदम जस्ट मुंह के सामने। तो माइक का जो प्लेसमेंट रहेगी वो साइड में रहेगी चिक्स के, ताकि जो वॉइस है आपकी डायरेक्ट सामने ना आए। आप कभी भी माइक को है ना सामने मत लगाइएगा, नहीं तो जो आपकी डायरेक्ट वॉइस है ना वो सामने माइक पे आएगी तो आपकी आवाज़ भी फटेगी और बहुत बेकार से लगेगा। तो हमेशा माइक की प्लेसमेंट चिक्स के साइड में रखिएगा, तो उससे माइक की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और काफ़ी हद तक आपका जो फटने का चांसेस है वो कम रहेगा। बताते हैं अब अपन विंड नॉइस के बारे में, और लास्ट में आप बताऊंगा कि कौन सा माइक अच्छा रहेगा मोटो व्लॉग के लिए। आप अगर बिगिनर हो तो कौन सा माइक आपको यूज़ करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये है वो काम की चीज़ जो आपका विंड नॉइस ख़त्म करेगी। जी हाँ बिल्कुल, यही है वो चीज़, इससे आपका विंड नॉइज़ काफ़ी हद तक ख़त्म होगा, जो मैंने भी नोटिस किया है और मैंने भी इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसको आपने भी वाइट कलर का देखा होगा वो ये है। ये आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, वो ऐसे मिलेगा कि आप जैसे कोई नए कपड़े खरीदते हैं या फिर कोई शर्ट टी शर्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये इस टाइप का मिलता है। तो उसको कुछ नहीं करना है, इसको काट लीजिएगा थोड़ा सा, और आपको मैं बता देता हूँ एक बार कि आपको कैसे प्लेस करना है। देख सकते हैं अपना माइक है, इसको मैंने कुछ इस तरह से इसमें फिट किया है माइक में, माइक अंदर है, ये साइड से थोड़ा दब गया है मेरा, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका डबल लेयर करना है, इसका इसको आप फोल्ड करके डबल कर लीजिएगा और अपने माइक के ऊपर से इसको लेके और इसमें टेपिंग कर दीजिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको लेके और फिर साइड में आप ऐसी चिक्स के साइड में इसको लगा दीजिएगा। अभी अपन इसको लगा देते हैं, वापस फिट कर देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो ये अपना फिर से फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको इतना ही करना है इस चीज़ से, इसी को सिर्फ लगाने से आपका विंड नॉइस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं इसको अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो 90-100 पे मैं जब क्रूज़ करता था तो मेरा आवाज़ फटने लगता था, विंड नॉइस आता था बहुत ज़्यादा और आवाज़ फटी फटी से आती थी। अभी मैंने इसको लगा के टेस्ट किया था ना तो काफ़ी अच्छा, 90-100 पे भी मेरा आवाज़ नहीं फट रहा था। विंड का जो आवाज़ है, हवा की आवाज़ तो आती है लेकिन वो जो फरफर करता है ना वो नहीं करेगा। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखना। और जो सेकंड चीज़ है वो आप बताता हूँ उस, वो आपको क्या ट्राई करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है कपड़ा, ये कपड़ा नहीं है वैसे, ये मास्क है जो मैंने 15 रुपये का ख़रीदा है। इसको अपन ने कुछ ऐसा किया है कि जो मास्क है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मास्क को अपन ने साइड से एक प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक लेके उसमें सिल दिया है और फिर उसको यहाँ से पूरा फिटिंग कर दिया है। तो ये भी आप घर पे ही कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर इसका प्लास्टिक नहीं लगाना है, नॉर्मल मास्क को स्ट्रेच करिए, साइड की इसकी पैडिंग खुलेगी और इसका एक प्लास्टिक होता है वो खुलेगा, प्लास्टिक खोल के आप साइड में पैडिंग को फिट कर देना। और यकीन मत मानिए लेकिन हवा जो आ रही थी ना वो 90% तक कम हो गई है, क्योंकि मैं जब गाड़ी चलाता था तो जो हवा आ रही थी ना वो पूरा मेरा यहाँ से अलग ही लगता था कि हाँ हवा आ रही है। अब जो है वो हवा है ना यहाँ से निकल जाती है, अलग फील होता है कि यहाँ से हवा निकल रही है, तो हवा बिल्कुल मेरे अंदर नहीं आती है। 90% तक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इसी कारण भी बहुत अच्छा मेरा क्वालिटी सही हो गया माइक का। ये ज़रूर आप ट्राई करना, ये दो चीज़ सिर्फ ट्राई कर लेना, कुछ आपको फर या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। 350 रुपये का 15 रुपये का मास्क आता है, ये आपको घर पर मिल जाएगा, 10-20 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इतना आपको करना है, फिटिंग कर लेना और माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है और माइक फट रहा है कि नहीं, आपका वॉइस कैसी आ रही है ये ज़रूर कमेंट में बताना। अब अपन करते हैं बोनस टिप के बारे में, आपको माइक कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप मोनो का माइक यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है वो। जो नॉर्मल 100-150 वाले माइक आते हैं उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मैंने कई रिव्यूज़ भी देखे हैं, मैंने लिया नहीं है पर्सनली, लेकिन आप अगर यूज़ करो तो मोनो का माइक यूज़ करना। बोया का माइक है ना, मतलब उसका साउंड अच्छा नहीं आता यार, बोया का माइक इतना महंगा भी है और साथ में उसका जो साउंड है
वो ऐसा लगता है बाइक का आवाज़ मतलब बाहर की आवाज़ बहुत कम आ रही है और अपनी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो बहुत गंदा सा लगता है सुनने में। ये एकदम क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस करके देता है दोनों साउंड, बहुत बढ़िया लगता है इसका सुनने में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें कैसा वॉइस आ रहा है, तो आप वो देख के भी मुझे बताइएगा कि कैसा साउंड है। तो अगर आपको ये टिप्स फॉलो करके, या टिप्स बोलें या फिर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर ये फॉलो करके अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप पहले करके देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना इस वीडियो को दोस्तों के साथ जो मोटर ब्लॉगिंग करते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ज्ञानचंद ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।